رمضان كريم. एक सवाल इन्होंने ये पूछा है कि कौन से काम भूले से हो जाएं तो रोज़ा नहीं टूटता। तकरीबन जितने भी मुब्तलाते रोज़ा हैं उन सब में ये शर्त है कि इनको आलमन व आमदन जानते हुए अंजाम दिया जाए तो वो रोज़े को बातिल करते हैं। किसी को याद ही नहीं था मैं रोज़े से हूँ, उसने उठ के नाश्ता कर लिया, असल पूरा फुल फ्लेज नाश्ता, उसको याद ही नहीं था मैं रोज़े से हूँ, होते हैं ऐसे लोग। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम लोगों की एक मुश्किल है, हम कहते हैं अगर हमें नहीं मिल रहा तो किसी और को क्यों मिले, लिहाजा अगर हमारे सामने कोई नाश्ता कर रहा हो तो हम फ़ौरन पीछ में कूदेंगे, थे तुम्हारा रोज़ा नहीं है क्या, अच्छा आपको किसने कहा कि उसका नाश्ता ख़राब करें। मगर आपका क्या ख्याल है, इस नाश्ते से उसका रोज़ा बातिल होगा? नहीं होगा ना, तो फिर क्यों बोल रही हैं उसको? जी उसका क्यों होगा, उसका ना खाने, उसको खाने से तो हो नहीं रहा, उसका ना खाने से कैसे होगा, ये कौन सा नहीं 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 नहीं। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आप ये जहमत ना किया करें, कोई खा रहा है चुपके से खाने दें उसको। देखिए दो सूरतें, या वो जानबूझ के खा रहा है दुरुस्त, या वो भूले से खा रहा है। अला जानबूझ के खाएगा तो टेबल पे बैठ के नहीं खाएगा, या तो रोज़ा रखा हुआ ही नहीं होगा इसलिए खा रहा होगा, और आपको भी पता होगा कि मसलसा होते हैं बहुत सारे शौहर हज़रात नहीं रखते हैं, या घर के मर्द नहीं रखते हैं जिनके थोड़ा हार्ड वर्किंग टाइप के काम हैं जिनके, आपको पता है उसने नहीं रखा हुआ रोज़ा, और आपके बोलने से उसने रखना भी नहीं है तो भी बोलने का फ़ायदा नहीं है। और अगर भूले से खा रहा है तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसको खाने में ये क्या बात हुई कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले। लिहाजा अगर कोई शख्स भूले से खा ले या पी ले, बच्चियाँ आती हैं स्कूल कॉलेज से आती हैं, आजकल तो खैर छुट्टियाँ लेकिन आती हैं, बिलाखिर आते ही सीधी गई फ्रिज खोला पानी पी लिया, उधर से ही माँ ने चीख मार दिया, ये तुम्हारा तो रोज़ा था, असल ज़रूरत नहीं बोलने की। लिहाजा अगर किसी को आप खाते पीते देखें और आपको अंदाज़ा हो कि भूले से खा पी रहा है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाने पीने दें, उसके इस खाने पीने से उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। यही काम बाकी मुब्तलाते रोज़ा का है, जब तक कि आप जानबूझकर इन कामों को अंजाम ना दें, यानी आपको ये भी पता हो कि आप रोज़े से हैं, क्योंकि एक बहस आती है वो कज़ा और कफ़ारे के बाब में आती है, लेकिन मैं उसको भी नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि अभी सिर्फ इन्होंने पूछा किन से रोज़ा बातिल नहीं होता, तो मैं उतना ही जवाब देना चाह रहा हूँ, और वो यही है कि आप जानते बूझते और इख्तियारी हालत में जब किसी काम को अंजाम देते हैं तो वो है जो रोज़े को बातिल करता है। आप जाके मसले पढ़िएगा, सर पानी में डुबोना उसमें भी ये शर्त उन्होंने यानी तकरीबन हर जगह बयान की है, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप गुबार के अंदर जाके देखें उसमें भी इन्होंने ये बात की है, झूठ बांधना उसमें भी ये बात की है, तो हर जगह पर ये शर्त उन्होंने लगाई है कि आलमन व आमदन अगर कोई शख्स उस मुब्तिल को अंजाम दे तो उसका रोज़ा बातिल होता है। अगर आलमन व आमदन नहीं है, भूला हुआ है, गाफिल है, उसके जहन में ही नहीं था कि आज रोज़ा है और वो खा पी रहा है, रोज़ा रख के भूल गया है और फिर मतलब खाना खा लिया उसने, पानी पी लिया, चाय बनाई, उसके सर में दर्द शुरू हुआ, उसने कहा यार आज सुबह से चाय नहीं पी, गया जाके चाय बनाई और चाय पी रहे, अब आपको देखें और आगे गुजर जाए, बस यही कर सकते हैं आप, इसके अलावा कोई काम आप अंजाम ना दें। ये हो गया जनाब अली पहला सवाल। दूसरा सवाल इनका ये है कि गुस्ल का तरीका सही नहीं था, साबिका नमाज़ों और रोज़ों का क्या हुक्म होगा? देखें अगर तो जाहिल कासिर है, आपको मालूम है कि जाहिल दो तरह के हैं, अच्छा जाहिल ये अरबी वाला जाहिल, उर्दू वाला जाहिल नहीं बोला जा रहा आप लोगों को, घबराइएगा नहीं, खैर माना दोनों में एक होता है लेकिन उर्दू में थोड़ा सा ज़रा सख्त हो गया काम। जाहिल यानी ना जानने वाला, जिसको मसला नहीं मालूम, मतलब इन्होंने कहा ना गुस्ल का तरीका नहीं आता था, मुझे गुस्ल का तरीका नहीं आता था, मैं अपने हिसाब से मतलब अपने नहाने को ही गुस्ल समझता था। एक तो ये भी इन्होंने कहा है, मैं आपकी खिदमत में मुझे याद नहीं है कि एक बात इन्होंने ये भी कही है कि अगर कोई शख्स
एक सवाल पूछा गया अगर सिस्तानी की साइट पे मौजूद है ये सवाल कि अगर कोई शख्स जो है वो गुस्ल का तरीका उसको नहीं पता था और वो गुस्ल करता रहे तो उसका ये नमाजों रोज़ों का क्या हुक्म है, तो उन्होंने ये बात कही है वहाँ पर कि अगर वो देखें बाज़ औक़ात इत्तफाक़ात होते ना, जो उसका नहाने का स्टाइल था इत्तफाक़ से वो वैसा ही था जो गुस्ल का स्टाइल है, क्योंकि गुस्ल के में और नहाने में कोई बहुत ज़्यादा आम तौर पर जब इंसान नहाना शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है, खुद सर से ही शुरू करता है ना। सिर्फ जो मसला आता है मैक्सिमम वो ये आता है कि शायद आप पानी से बाहर ना निकले हों और ये वो इस टाइप की चीज़ें, वरना शुरू तो सर से ही करता है। और जो नहाते हैं जिस तरीके से हम लोग ख़ास तौर पर नहाते हैं तो ये भी आप तसव्वुर करना ज़रा मुश्किल काम है कि आप कहें कि जी आधा बदन या कुछ बदन का हिस्सा खुश्क रह गया हो। हम तो किल्लत आब में भी माशाल्लाह कसरत आब की तरह नहाते हैं, लिहाजा ये भी मुश्किल हल हो जाती है। तो यही उन्होंने कहा अगर सिस्तानी ने कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसको तरतीब हासिल हो ही रही है ऑटोमेटिकली, यानी जिस तरह से वो नहाते हैं वो उसी तरह से ही है, तो इश्काल ना दारा तो उसका गुस्ल भी सही है और नमाज़ें रोज़े खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर वही वाली बात है, गुस्ल का तरीका नहीं आता था का मतलब यही होगा कि कोई बिलाखिर नहाने में भी इंसान सारा सर और गर्दन तो धोता ही है ना, ये हो सकता होगा मैक्सिमम की जी तरतीब बिगाड़ दी उसने मतलब पहले बदन धो लिया या ख्याल नहीं रखा, पहले बदन धो लिया सर बाद में धोता था, इस तरह की कोई चीज़ कहानी कर ली उसने। तो इसमें भी इन्होंने यही फरमाया कि अगर तो जाहिल कासिर था, यानी ये जो नहीं पता था इसको, ना जानने में कसूरवार नहीं था, मतलब इसने सीखा था गलत समझा, समझाने वाले ने गलत समझाया और इसको इत्मीनान था उसके ऊपर, लिहाजा उसने उसके कहने पर अमल कर लिया, तो इस सूरत में इश्काल ना दारद इसका गुसल सही है और नतीजतन नमाज और रोज़ा भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये जाहिल मुकस्सिर है, यानी इसको सीखना चाहिए था लेकिन इसने नहीं सीखा और अपनी मर्ज़ी से ऐसा गुसल करता रहा, तो फरमाते हैं कि नमाज़ों फिर गुसल तो सही नहीं है लेकिन नमाज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी, रोज़ों की कज़ा नहीं है। तो अक्सर मवारिद में जहाँ पे गुसल में गलती हो जाती है या कोई इश्तबा हो जाता है, गुसल आपने किया है लेकिन उसमें कहीं गलती हो जाती है, तो अक्सर जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर नमाज़ों में कज़ा आती है लेकिन रोज़ों में कज़ा नहीं आती, रोज़े आपके सही मान लिए जाते हैं। Allah Jalla Jalla.